आप देख रहे हैं सबके हिंदी डॉट कॉम। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। आरक्षण पर आए पटना हाईकोर्ट के फैसले को लेकर बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। बिहार सरकार के वकील मनीष सिंह के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। दरअसल आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने बिहार में आरक्षण का दायरा 50% से 65% बढ़ाए जाने के राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया था। अब पटना हाईकोर्ट के इसी फैसले को बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। राज्य सरकार ने अपनी याचिका में हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने की मांग करते हुए कहा है कि यदि अंतरिम राहत नहीं मिलती है तो राज्य में चयन और भर्ती प्रक्रिया और साथ ही राज्य का कामकाज चलाने पर भी इसका असर पड़ेगा। गौरतलब है कि बिहार सरकार द्वारा शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में SC ST EBC व अन्य पिछड़े वर्गों को 65% आरक्षण देने का फैसला किया गया था। बिहार सरकार के इसी फैसले को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, जिसके बाद पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के इस फैसले को रद्द कर दिया। अडानी ग्रुप के धोखाधड़ी से निम्न श्रेणी वाले कोयले को तमिलनाडु उत्पादन एवं वितरण निगम को उच्च मूल्य वाले कोयले के रूप में बेचने का आरोप सामने आया है। इन आरोपों के बाद तमिलनाडु राज्य सरकार ने सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय को प्रारंभिक जांच करने और 2 महीने के भीतर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। बता दें कि मई 2024 में फाइनेंशियल टाइम्स और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट द्वारा की गई एक जांच, जिसे द न्यूज़ मिंट पर सह प्रकाशित किया गया था, उसने खुलासा किया है कि जनवरी 2014 और अक्टूबर 2014 के बीच तमिलनाडु तट पर पहुंचे कोयले के कम से कम 2 दर्जन शिपमेंट की कीमत शुरू में कम ग्रेड के कोयले के रूप में तय की गई थी। हालांकि उन्हें अंततः अडानी समूह द्वारा तमिलनाडु उत्पादन एवं वितरण निगम को मूल कीमत से 3 गुना अधिक कीमत पर बेचा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2018 में चेन्नई स्थित भ्रष्टाचार विरोधी समूह अरप्पोर इयक्कम ने तत्कालीन AIADMK सरकार के समक्ष शिकायत भी दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अडानी समूह ने 2012 से 2016 के बीच तमिलनाडु उत्पादन एवं वितरण निगम से अधिक शुल्क वसूला और 6,066 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया। नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है। विपक्ष द्वारा यह मुद्दा संसद के सत्र के दौरान भी लगातार उठाया जा रहा है। अब इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीट मुद्दे पर बहस के लिए प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर इस लेटर को शेयर करते हुए लिखा, प्रिय प्रधानमंत्री जी, मैं कल संसद में नीट पर बहस के लिए अनुरोध करने के लिए लिख रहा हूँ। हमारा उद्देश्य 24 लाख नीट उम्मीदवारों के हित में रचनात्मक रूप से जुड़ना है, जो जवाब के हकदार हैं। राहुल गांधी ने आगे लिखा कि मेरा मानना है कि यह उचित होगा कि आप इस बहस का नेतृत्व करें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी नीट समेत अग्निवीर योजना जैसे कई मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने एक्स पर लिखा कि इस सरकार ने अग्निवीर जैसी अनप्लान्ड तुगलकी योजना लाकर नौजवानों का मनोबल तोड़ दिया। इसे लेकर पूरे देश के नौजवानों का बड़ा आंदोलन हुआ, पर आपने किसी की नहीं सुनी। मेरी मांग है कि अग्निवीर योजना खत्म की जाए। खड़गे ने आगे कहा कि मोदी जी ने 2014 में हरियाणा में 1 रैंक 1 पेंशन का वादा किया था, लेकिन आप तो 9 रैंक 9 पेंशन पर उतर गए। सैनिक स्कूल सरकारी क्षेत्र में बने थे, उनको निजी क्षेत्र में देते हुए RSS के लोगों को दिया जा रहा है। यूपी के वृंदावन, हिमाचल के सोलन, हरियाणा के रोहतक, अरुणाचल के तवांग जैसे तमाम स्कूलों को BJP RSS के लोगों को सौंप दिया है। यह ठीक नहीं है। अगर ऐसे ही सब कुछ निजी क्षेत्र को सौंपते रहे तो गरीब, वंचित, दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्गों से आने वाले बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा कि फौज को फौज रहने दीजिए, राजनीति करने के लिए बहुत से विषय पड़े हैं। 3 नए आपराधिक कानूनों को लेकर जारी बहस के बीच भारत के मुख्य न्यायाधीश TY चंद्रचूड़ ने कल मंगलवार को इन पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। CJI ने कहा कि इन कानूनों से उत्पन्न मुद्दे सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में नए कानूनों पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका में इन कानूनों में कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। अब इस बीच एक शिलान्यास समारोह के बाद मीडिया से बात करते हुए CJI ने कहा कि ये मुद्दे सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं और हो सकता है कि अन्य उच्च न्यायालयों में भी लंबित हों, इसलिए मुझे ऐसी किसी चीज़ पर नहीं बोलना चाहिए जिसके अदालत के समक्ष आने की संभावना हो।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान जब बोलना शुरू किया तो विपक्ष की ओर से लगातार नारेबाजी होती रही। पीएम मोदी के पूरे भाषण के दौरान विपक्ष की ओर से मणिपुर, वी वांट जस्टिस, तानाशाही नहीं चलेगी, भारत जोड़ो जैसे नारे लगाए जाते रहे। वहीं पीएम मोदी ने विपक्ष पर सदन की गरिमा से खिलवाड़ करने, अराजकता फैलाने और झूठ बोलने का आरोप लगाया। इससे एक दिन पहले हुए विपक्ष के नेता राहुल गांधी के भाषण पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कल जो हुआ है वो गंभीरता से लिए बिना संसदीय लोकतंत्र को संरक्षित नहीं कर पाएंगे। इन हरकतों को बालक पुत्ती कहकर और मान कर के नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे इरादे नेक नहीं गंभीर खतरे के हैं। उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए आगे कहा, कांग्रेस देश में आर्थिक अराजकता फैलाने की सोची समझी चाल चल रही है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने अपनी सरकार के ट्रैक रिकॉर्ड का भी जिक्र किया और कहा कि इसे देखकर ही जनता ने उन्हें जीत दिलाई है। उन्होंने अपने पहले कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की वजह से ही जनता ने आशीर्वाद दिया है। यूपी के हाथरस में एक सत्संग के दौरान मची भगदड़ से हड़कंप मच गया है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार भगदड़ की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 121 हो गई और 28 घायल बताए जा रहे हैं। बता दें कि यह घटना कल मंगलवार को सामने आई। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में अपने भाषण के अंत में हाथरस हादसे को लेकर भी बयान दिया। पीएम मोदी ने कहा कि इस समय चर्चा के बीच मुझे एक दुखद खबर भी दी गई है। यूपी के हाथरस में जो भगदड़ हुई उसमें अनेकों लोगों की दुखद मृत्यु होने की जानकारी आ रही है। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। मैं सदन के माध्यम से सभी को भरोसा देता हूं कि पीड़ितों की हर तरीके से मदद की जाएगी। यूपी के हाथरस में हुई दर्दनाक घटना के बीच प्रधानमंत्री कार्यालय और यूपी सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों और घायलों को मुआवजा देने की घोषणा की गई है। पीएमओ कार्यालय से जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री राहत कोष में से मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हज़ार रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से भी मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हज़ार रुपए देने की घोषणा की गई है। साथ ही आपको बता दें कि अब तक की अपडेट के मुताबिक फॉरेंसिक विभाग की टीम खोजी कुत्तों के साथ घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र कर रही है और 38 शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हाथरस भगदड़ की घटना पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी आनी जा रही हैं और घटना को लेकर राज्य सरकार और प्रशासन पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इसी कड़ी में शिवसेना UBT नेता आनंद दुबे ने कहा कि हम अपनी संवेदना प्रकट करते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक सवाल भी बनता है कि जब शहर में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है जहां इतनी बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो रहे थे तो क्या पुलिस प्रशासन की पूरी व्यवस्था वहां हुई? जिन आयोजकों ने इतना विशाल कार्यक्रम आयोजन किया क्या उन्होंने नियमानुसार अनुमति ली? उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री, जिला कलेक्टर, पुलिस, इन सब की जिम्मेदारी है। जब इतने लोगों की जान चली गई तो इस पर कार्रवाई हो रही है। इससे पहले आपने जांच की क्या? आनंद दुबे ने आगे कहा कि हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन आम आदमी होने के नाते अपनी बात कह सकते हैं कि अगर प्रशासन सुरक्षा नहीं दे सकता तो उसका क्या काम। वहीं कांग्रेस सांसद KL शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार से मेरी यही अपील है कि यदि इस स्तर पर कोई आयोजन होता है तो सरकार को इसकी तैयारियों को देखना चाहिए और सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। यह घटना बहुत ही दुखद है। बहुत से बच्चे भी इस घटना में अनाथ हो गए हैं जिनकी सरकार को चिंता करनी चाहिए। हाथरस में हुई घटना पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार आखिरकार कर क्या रही थी। सरकार की जानकारी में होने के बावजूद इतनी बड़ी घटना होना बहुत दुखद है। उनकी सुरक्षा और व्यवस्था के लिए सरकार ने क्या किया, ये सबसे बड़ा प्रश्न बनता है। जब तक आप किसी आयोजन पर शुरुआत से लेकर अंत तक ध्यान नहीं देंगे तो इसी तरह की घटना होगी। इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो सरकार है। अखिलेश यादव ने कहा कि हमें उम्मीद है कि सरकार घायलों का अच्छा इलाज करवाएगी।
इसके अलावा कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि यह बहुत दुखद दुर्घटना है। उम्मीद करते हैं कि अस्पताल में जो लोग घायल हैं उन्हें शीघ्र उपचार मिले और मृतक लोगों की देखरेख में भी घोषणाएं हों। इस मामले की जांच भी होनी चाहिए। जब सरकार और प्रशासन को मालूम था कि इतनी भीड़ आने वाली है तो इसे लेकर क्या व्यवस्थाएं की गई थी। हम उम्मीद करते हैं कि इसमें एक निष्पक्ष जाँच होगी। हाथरस में हुई घटना को लेकर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ से कई श्रद्धालुओं की मृत्यु का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। सभी शोकाकुल परिजनों को अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूँ। राहुल गांधी ने आगे लिखा कि सरकार और प्रशासन से अनुरोध है कि घायलों को हर संभव उपचार और पीड़ित परिवारों को राहत उपलब्ध कराएं और इंडिया के सभी कार्यकर्ताओं से भी अनुरोध है कि राहत और बचाव कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कल मंगलवार को एनसीपी प्रमुख शरद पवार और महाराष्ट्र के कुछ अन्य विपक्षी नेताओं से मुलाकात की और इंडिया ब्लॉक को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन को मजबूत करने के तरीकों, आगामी विधानसभा चुनाव और राज्य की राजनीतिक स्थिति पर भी चर्चा की गई। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सबके हिंदी.com के साथ।